सीरीज खत्म होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। इस टीम में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। यह दोनों ही बल्लेबाज गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। तो वहीं तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर अपना कमाल दिखाएंगे, जो अभी अपनी फिटनेस साबित करके टीम में शामिल हुए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव आएंगे, जो मैदान के चारों ओर गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाते हैं। फिर पांचवें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद छठे नंबर पर भारतीय टीम के कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते दिखेंगे, जो गेंदबाजी में भी अपना हुनर समय समय पर दिखाते रहते हैं। फिर सातवें नंबर पर सुपरमैन सर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है, जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों से टीम को जीत दिलाते हैं। तो वहीं आठवें नंबर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नौवें नंबर की कमान उमरान मलिक के हाथों में सौंपी गई है, जिनकी गेंद बल्लेबाजों को नज़र ही नहीं आती है। दसवें नंबर पर मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है, जो विश्व के नंबर एक गेंदबाज हैं। और अंत में 11वें नंबर के लिए शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है, जो कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बखूबी जानते हैं। कोच राहुल द्रविड़ की प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।